परवल की सब्जी आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरह कभी नहीं खाई होगी, इतनी टेस्टी। अगर ऐसा आप बना के खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। ये देखो हमारे पास कटे परवल इस तरह से हैं, और उसको हमने तेल में अभी फ्राई कर रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे रखकर इस तरह से आप इसे परवल को पहले आप काट करके और फ्राई कर लें। ये हमारा परवल 80% तक हो चुका है और इसे 80% पकाना है, और इसे कुछ इसे छान करके रख लेना है। आपको अलग बर्तन में, मेरे पास बर्तन है, इसलिए हम इसको छान करके पहले रख लेंगे। ये जो हमारे पास बचा हुआ तेल है, ये हमारे पास रखा कटा हुआ आलू है, और इस आलू को भी हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारा आलू भी फ्राई होकर के हल्का ब्राउन कलर में आ गया है, देखिए, और ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। परवल की सब्जी बनाने के लिए इसमें अदरक और इलायची, लौंग, जीरा, इसका फ्राई करने के लिए तड़का लगाया है, और ये हमारे पास पेस्ट है टोमेटो का, और इसको हम इसमें डालेंगे। हमारे पास गरम मसाला है, धनिया का पाउडर है, लाल मिर्च है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। हमारे पास हल्दी है, ये हल्दी भी हम इसमें डाल रहे हैं। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका तेल अलग नहीं हो जाएगा। जब अलग होने लगेगा तब हमें पता चलेगा कि हमारा मसाला पक गया है। हमारी परवल की सब्जी जो बन रही है बन रही है, और ये इसका मसाला है, इसका तेल अलग हो गया है, लेकिन अगर एक चीज़ आप इसमें डालेंगे तो सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। और जैसे ढाबे पे बनती है, हलवाई लोग बनाते हैं, ऐसी सब्जी परवल की आपकी मस्त बनेगी, बहुत अच्छी। और ये वो चीज़ है, ये नारियल का बूरा थोड़ा हमारे पास है, नारियल का बूरा, और ये आप पीसा हुआ ताज़ा नारियल भी अगर थोड़ा सा आप 2 चम्मच ले सकते हैं, और इस तरह आप मसाले को बीच में चलाते रहें, गिर जाएगा। और हमारे पास तेज पत्ता है, ये हम 2-3 तेज पत्ता इसमें डाल देंगे, और ये हमारे पास जो गरी का बूरा है इसको हम सब्जी में डाल देंगे, और डाल करके इसको 1 मिनट तक हम पकाएंगे। इलायची दिख रही होगी आपको, तेज पत्ता है, अदरक है, और इसमें काली मिर्च है, जीरा है, और आप लहसुन प्याज खाते हो तो डालिए, और हम नहीं खाते हैं इसलिए हमने नहीं डाला है। और हमारे पास ये जो
सब्जी हमने फ्राई करके आलू और परवल को रखा है, ये अब हम इसमें डाल देंगे। तो डाल करके हम थोड़ी देर 2 मिनट इसको पकाने देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और अपने आप जो है जैसा चाहे जैसा नमक खाते हैं चाहे उस तरह से आप डाल करके थोड़ी देर इसको पकाइए। बहुत अच्छी सब्जी बनेगी है और आपको मज़ा आ जाएगा खाने। बार बार ऐसी परवल की सब्जी अगर आपको नहीं भी पसंद तो भी आप खाएंगे। अब हम सब्जी में साल डालेंगे। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो ज़्यादा कम नमक। और मैं डाल रही हूँ उसमें साल्ट को। इसको 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे। 5-10 मिनट आप इसको अच्छे से पकाएंगे देख देख के बाद में, और जब बन जाएगी सब्जी तो आप खुद ही देखेंगे क्या लाजवाब सब्जी बनी है। देखिए हमारे 2-3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। आपको अगर ज़्यादा अगर सूखी खाना हो तो आप ऐसे भी नमक डाल के खा सकते हैं 2-4 मिनट पका के। लेकिन अगर आपको जूस वाली सब्जी पसंद है परवल में, आप चावल से रोटी से भी खा सकते हैं, पूड़ी पराठा से भी खा सकते हैं। आप इसमें जैसा भी सूखी या जैसी बनाएं ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। आप खुद खाएंगे एक बार तो आपको पता चलेगा बहुत अच्छी सब्जी परवल की बनी है। इसमें हम पानी डालते हैं, जितना पानी आपको ऐड करना हो उतना आप करिए। और हमें ये कुछ लोगों को खिलाना है, बाहर जो मंदिर के बैठते हैं उन लोगों को खिलाना है और सब्जी चावल, तो इसलिए हमने ऐसी सब्जी थोड़ा जूस वाली सब्जी बनाई है जिससे वो लोग आसानी से खा पाएँ। जो मांगने वाले होते हैं उनकी सेवा के लिए सब्जी बन रही है, तो जो लोग हैं वहाँ पर तो उनके लिए अब ये सब्जी रेडी होगी। जब बन करके बहुत अच्छी बनेगी, बहुत टेस्टी। देखिए ये हमारी टेस्टी परवल की सब्जी बन कर के रेडी हो गई है। और अब हम बंद कर देते हैं गैस को। और ये हमारे पास करने के लिए कटी हुई हमारे पास धनिया है, उसको ऊपर से डाल देंगे। और देखिए आप कितनी लाजवाब सब्जी देखने में लग रही, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी सब्जी बनी है। और इसको हम थोड़ी सी कटोरी पे निकाल कर आपको दिखाते हैं कितनी सुंदर सब्जी बनी है। आप जूस भी डाल सकते हैं सब्जी में, बहुत टेस्टी सब्जी ये बन करके रेडी हुई हमारी। और एक बार बनाकर ज़रूर खाइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा जिससे हम और भी डिशेज आप तक अच्छी सी बनाकर पहुँचाएं। नमस्कार, धन्यवाद। ये हमारी परवल की सब्जी बनकर के रेडी हो चुकी है और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में, बहुत टेस्टी है। और एक बार ज़रूर ऐसा बनाकर खाइएगा। हम आपके लिए और अच्छी डिशेज बना के ले आएंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा जिससे हम आप तक और अच्छी डिशेज बनाने की कोशिश करेंगे कि आप सबको भी पता चले। इसमें आपको बड़ा आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा खाने में जो खाने के शौकीन हैं। नमस्कार, धन्यवाद।